का सेम रहता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल. आइसोबारिक जहाँ आता है वहां पर आपका वॉल प्रेशर चेंज नहीं होता है. बार से याद रखना, प्रेशर की एसआई वो यूनिट भी होती है ना बार. तो प्रेशर अगर चेंज नहीं होता है देन योर प्रोसेस इज आइसोबारिक. इफ योर वॉल्यूम डजंट चेंज, ये सेकंड हो जाएगा एंड दिस विल बी फोर्थ. अगर आपकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन योर प्रोसेस इज आइसोकोरिक. और एडियाबेटिक, हम लोग ने ऑलरेडी एडियाबेटिक टर्म भी डिस्कस कर रखा है. जब हीट का या मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से, सिस्टम का सराउंडिंग से कोई हीट या कोई मैटर एनर्जी कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तब आप उसे बोलते हो एडियाबेटिक सिस्टम. तो जब हीट कॉन्स्टेंट रहती है तब सिस्टम होता है आपका एडियाबेटिक. फिर हम लोग ने लास्ट क्लास में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक प्रोसेसेस भी देखे थे. नॉन साइक्लिक वो होते हैं जब जो उसकी इनिशियल स्टेट थी सिस्टम की वो वहां पर नहीं आता. साइक्लिक प्रोसेस में जहां से स्टार्ट किया आपने, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किया आपने और वापस आप पूरा साइकिल कवर करके ए पॉइंट पे आ रहे हो, देन योर प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, ये सारे बेसिक बेसिक प्रोसेसेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से. लेट्स स्टार्ट. देखो आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से ही पता चलता है, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. सो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. इसमें जो चेंज होता है टेम्परेचर का वो जीरो होता है. चेंज इन टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि देखो कोई अगर बॉडी है इसका टेम्परेचर है T1, अब इसका टेम्परेचर हो गया T2, और अगर ये आइसोथर्मल है इसका मतलब वो क्या हुआ, T1 T2 के बराबर है. चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज तो हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे चेंज इन टेम्परेचर के लिए तो सेम है, तो क्या आएगा, ये आएगा जीरो. तो अगर आपका चेंज जीरो आ रहा है यानी कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये तो एक ही रहेगी, दैट्स वाई आपका जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 5 केल्विन था तो यहाँ पर भी 5 केल्विन ही रहेगा एंड में. ठीक है, जब अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा मगर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी. चेंज इसीलिए जीरो आ रहा है क्योंकि आपका फाइनल वैल्यू भी वही है, इनिशियल वैल्यू भी वही है. अब देखो इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिबिट करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है. कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस. अच्छा, जब हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में, जीरो थ्रोजर लोग समझ रहे थे याद है, उसमें दो तरह की वॉल्स थी. सभी आप तो थी लास्ट क्लास में, आपको भी याद हो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग थी. यस नो? यस मैम. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका यानी हीट टेम्परेचर सेम हो रहा है, तो टेम्परेचर कब सेम होगा, जब एक जगह से जहां से आपका ज्यादा टेम्परेचर है वहां से हीट फ्लो कर जाएगी, एनर्जी फ्लो होगा. तो इसका मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग. तो पहली कंडीशन है वॉल्स should be conducting. So isothermal process की first condition है कि the process, the cylinder जो भी आपका vessel है it should have conducting walls. दूसरा आपका दूसरी आपकी जो condition है for a process to be an isothermal process वो ये है process slow होना चाहिए. प्रोसेस शुड बी स्लो. स्लो होगा तब आपका टेम्परेचर जाके एक सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू अटेन कर पाएगा. सो प्रोसेस स्लो होगा आपका जो भी हो, क्योंकि किसी भी अगर आपने मान लीजिए गैस पिया या कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसको कंप्रेस करने में या एक्सपैंड करने में दोनों वेज में टाइम लगेगा, स्लो होगा वो प्रोसेस. तो उन्हीं केसेस में आपका प्रोसेस जो होगा वो होगा आइसोथर. अब ये भी चीज़ हम लोग ने वैसे ब्रीफली डिस्कस किया था, जब एक्सपेंशन होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगर एक्सपैंड हो रहा है तो जो आपका सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है.
एब्जॉर्ब्स हीट. वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है सिस्टम पे, सिस्टम आपका कंप्रेस कर रहा है, तो अब हीट एमिट नहीं करेगा सिस्टम, हीट रिजेक्ट करेगा. एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, कंप्रेशन में क्या होता है, हीट रिजेक्ट हो रही होती है. ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस. अच्छा, हम लोग ने स्टेट इक्वेशंस ऑफ स्टेट पढ़े थे, याद है इक्वेशंस ऑफ स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हें बोलते हैं. तो अगर आपका दिस इज द चेंज इन प्रेशर, ये हो जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा टेम्परेचर. टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगी, लेकिन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं करेगा. तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, याद है क्या होती है, PV is equal to nRT. अब यहां से देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा जितना सिस्टम में है, R खुद ही एक कांस्टेंट है. वेरिएबल्स क्या है इधर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. मगर यहाँ देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, तो अब टेम्परेचर भी वेरिएबल नहीं हुआ, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया. यानी कि पूरी की पूरी पीवी टर्म ही कांस्टेंट के बराबर है. तो यही हो जाएगी आपकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हो जाएगी आपकी, पीवी कांस्टेंट हो जाएगी. पीवी को कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, मतलब जो प्रोडक्ट होगा, जितने प्रेशर वॉल्यूम आ रहे हैं उनके सारे प्रोडक्ट लोगे आप, उसको इक्वेट कर सकते हो. मान लो दो वैल्यूज है, P1 V1 है, और कोई फाइनल वैल्यू हो रही है प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, तो उसको बस खाली इक्वेट कर देना है P2 V2 के. अगर और है इज इक्वल टू P3 V3, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा क्योंकि आपका बाकी सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट है. ठीक है, वर्क डन देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो.
नाम दे। हाँ अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग ने वर्क डन का तो देखा था लास्ट क्लास में। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी होता है, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना होता है, पी डी वी हो जाता है। अगर आपका प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क डन ये था पी डी वी, डी वी वही है चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर। और ये इंटीग्रेट कहाँ से होता है, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, वी वन से वी टू तक। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल के लिए पहले तो हम लोग प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, इससे वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाऊं, डिनोमिनेटर में ले जाऊं, क्या मुझे प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं, इसे यहाँ पे देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एन आर टी डी वी डिवाइडेड बाई वी, ये प्रेशर वाली टर्म हो गई, और आपका बाकी का इंटीग्रेशन वी वन वी टू तक, यानी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। अब देखो कॉन्स्टेंट क्या क्या था इसमें, एन कॉन्स्टेंट था, आर कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोसेस ही आइसोथर्मल है, इसका मतलब ही होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वरना टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो अगर सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं बाहर लिख दूँ एन आर टी, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी वी डिवाइडेड बाई वी, कहाँ से कहाँ तक, वी वन से वी टू तक। अब देखो जब भी इस फॉर्म में होता है, यानी डी एक्स बाय एक्स ये वाले फॉर्म में होती है इंटीग्रेशन आपकी, तब आपका लग जाता है लॉग। ये पता था लॉग, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू में। तो ये हो जाएगा एल एन वी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वी वन से वी टू तक। ये एल एन लगा है इसकी वजह से, जब भी इस फॉर्म में रहेगा इंटीग्रेशन तो आपका एल एन लगता है। तो अब देखो अब नॉर्मल है, अब जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो ना, अपर लिमिट की वैल्यू डाल के माइनस लोअर लिमिट, वैसी हो जाएगा एन आर टी, पहले क्या हो जाएगा एल एन वी टू, ये वाला माइनस लोअर लिमिट एल एन वी वन। इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, जो कुछ भी वैल्यू होती है, मान लो एक्स स्क्वायर होता है टू द पावर वन से टू तक, तो क्या करते हो, पहले टू की वैल्यू अपर लिमिट लिखते हो, जो भी फंक्शन है आपके एक्स स्क्वायर है तो टू स्क्वायर हो जाता है, माइनस लोअर लिमिट लिखोगे वन, और जो भी फंक्शन है वन स्क्वायर, ऐसे हो जाते हैं। वैसे ये अगर एल एन वी है यहाँ पे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये रूल होता है, अगर आपका इस टर्म में लॉग जो है आपका ऐसे a बाय बी है, a डिवाइडेड बाय बी है, तो इसे आप लिखते हो a माइनस एल एन बी। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में, ये ऐसे गिवन है एल एन ए माइनस एल एन बी, ए बी क्या है यहाँ पे वी टू वी वन, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ये a है ये b है। इस अगर इस फॉर्म में लिखा है आपके पास, तो आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो लिखोगे तो क्या हो जाएगा एन आर टी, ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग, और ए डिवाइडेड बाय वी, यानी कि वी टू डिवाइडेड बाय वी वन, ये आ गया फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला में अब देखो ये वाला हम लोग को लेंगे लॉग, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, इस ln को आपको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है log लगाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, ये log जब लगता है तो साथ साथ 2.303 से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होता है, तब ये रिमूव हो जाए। अगर इसको रिप्लेस करना है आपको, तो देखो पूरे के पूरे टर्म को खाली 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, बाकी का क्या टर्म रहा एन आर टी, तो एज इट इज रहा, ये एल एन रिप्लेस हो जाएगा लॉग से। अब यहाँ पर लॉग से फायदा होगा, आप अपना लॉग टेबल नॉर्मली यूज कर सकते हो, जो लॉग टेबल जैसे नॉर्मल मैथ्स में यूज करते हो आप वो कर सकते हो। तो ये लॉग हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वी टू से वी टू डिवाइडेड बाई वी। ये जो फॉर्मूला है दिस इज द
फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. समझ आया ये? अगर ये प्रेशर होता तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर से आप करते, डिफरेंस बस यहाँ पर आता. जैसे यहाँ पे वी टू बाई वी वन आ रहा है, प्रेशर आपका पी वन बाई पी टू हो जाएगा. सो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. एक बार इसको भी लिख लो.
लिख लिया। यस मैम, लाइशा आपने नोट किया? यस मैम। देखो लाइशा आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग पढ़े आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है आपका वो जीरो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, तो आपका फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम होता है। उसी कंडीशन ये होती है कि वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए और प्रोसेस स्लो होना चाहिए। बाकी फिर प्रीवियस क्लास का था आपका। इसमें एक फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो आपकी जो ये इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर, इसमें एन कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट। अब देखो टेम्परेचर जो वेरिएबल हो सकता है ये आपका कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो पीवी वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी कॉन्स्टेंट हो गई। सो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू, जो भी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम। एक और चीज देख लो जो मैं आपको प्रेशर का बता रही थी, देखो अगर पी वन वी वन पी टू वी टू के बराबर है तो यहाँ से वी टू बाई वी वन की वैल्यू निकालते हैं। देखो वी टू बाई वी वन क्या हो जाएगा, पी वन बाई पी टू हो जाएगा। इसीलिए जो आपका वर्क डन आएगा ना यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 2.303 एनआरटी लॉग, लॉग की बेस 10 है आपकी, पी वन डिवाइडेड बाय पी टू। ठीक है, बस रिवर्स हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल में बाकी सारी चीजें आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अच्छा एक और चीज देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आयुषी आपने पढ़ा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पता है आपको? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये ऑफ एनर्जी। एक बार देख लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। वो जो आपका है ना, आपने सुना होगा एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही वाली इक्वेशन आती है, उसी को आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब भी हीट सिस्टम में एडेड होता है तो वो हीट कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी जो इक्वेशन बनती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस इक्वेशन का, वो ऐसे होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू है हीट, डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी वही है जो हम लोग ने पढ़ी थी, और डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन जो सिस्टम में वर्क डन है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में इफेक्ट ये पड़ेगा कि देखो जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर में, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी जीरो हो जाती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो अपना फॉर्मूला है ना वो टी पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा टी जीरो होता है तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। तो अगर डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, इसमें से ये टर्म आपकी जीरो हो गई, तो आपका डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, डेल्टा डब्ल्यू के। यानी कि जितनी हीट है सिस्टम की सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होगी इस केस में। ये है आपका फ्रॉम योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार इतना सा पोर्शन भी लिख लो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।
जैसे जैसे लिख लोगे क्वेश्चन ट्राई करो, इजी क्वेश्चन. Two moles of an ideal gas at STP is compressed to half of its initial volume. आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. एक तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, दूसरा फाइनल प्रेशर, और थर्ड क्वांटिटी जो आपको निकालनी है दैट इज द वर्क डन, वर्क डन जो है. अब देखो इनिशियल वैल्यूज क्या क्या है. इनिशियल वैल्यू आपकी है इनिशियल टेम्परेचर गिवन, वो है 300 केल्विन, और जो इनिशियल प्रेशर है That is 180. ये 180 है. तो खूब सिंपल जो आइसोथर्मल की इक्वेशन है उससे करने को. अच्छा एक चीज और, log 2 की वैल्यू जिसे नहीं पता है, log 2 की वैल्यू है 0.30. तो अगर ये कहीं यूज हो तो देखें. प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है. फर्स्ट पार्ट में आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना. आंसर्स आप भेजिए चैट बॉक्स में भेजिए. फर्स्ट पार्ट का तो सबका आ जाना चाहिए.
देखो फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किसी का आया? ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? क्या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है हंड्रेड आइसोथर्मल? थ्री केल्विन नो हंड्रेड मैम, केल्विन ही रहेगा ना। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके टेम्परेचर की वैल्यू चेंज ही नहीं होती, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वही तो आपको मैंने बताया था, जो आपकी इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू होती है वही रहती है फाइनल टेम्परेचर की। तो आपको फाइनल टेम्परेचर कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वही आपका फाइनल टेम्परेचर भी है। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। अब देखो फाइनल प्रेशर आपको निकालना होगा। देखो इनिशियल प्रेशर क्या गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है 180 एम। अब वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के बीच का रिलेशन गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम को कुछ मान लो, इस इनिशियल वॉल्यूम को वी मानते हैं, लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम वी है। सो इफ वी वन इनिशियल वॉल्यूम वी है, पी टू यानी कि फाइनल प्रेशर ये नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के टर्म्स में फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी अगर ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपकी इनिशियल वॉल्यूम है वी है, इसका हाफ हो जाएगा। ये देखो ये भी हो जाएगा आपका वी, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टू। अभी हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। देखो सारे टर्म्स पता है, क्या अननोन है, खाली पी टू ही तो अननोन है। तो पी टू कैसे हो जाएगा, पी टू यहाँ से हो जाएगा पी वन मल्टीप्लाइड बाई वी वन और डिवाइडेड बाई वी टू। अब बस खाली वैल्यूज पुट करनी है आपको, पी वन की वैल्यू वन है, वी वन आपका वी है डिवाइडेड बाय वी टू, वी टू की वैल्यू है वी, टू पर चला जाएगा, वी से वी कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा आपका सिर्फ 218। सो पी टू जो फाइनल प्रेशर है दैट वुड बी 218। और फाइनल टेम्परेचर क्या है आपका, इनिशियल टेम्परेचर जो था। अब देखो वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन आपको निकालने के लिए एक इक्वेशन अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, दिस वाज द सेकंड पार्ट, एंड फॉर द थर्ड पार्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी हम लोगों ने। वॉल्यूम को आप प्रेशर वाले भी यूज कर सकते हो, आप वॉल्यूम वाले भी यूज कर सकते हो। प्रेशर की भी दोनों वैल्यूज है आपके पास, वॉल्यूम की भी वैल्यूज है आपके पास। वॉल्यूम की वैल्यूज नहीं है, बस रिलेशन है, और वहां पे आपने देखा था रेशियो लेते हैं, सो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अगर इनके बीच का रिलेशन है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज 2.303 एनआरटी लॉग वी टू डिवाइडेड बाय वी वन। अब देखो 2.303 एन एन क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हैव बीन मेंशनड इन द क्वेश्चन, कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, टू। सो आपकी जो एन की वैल्यू आ गई, एन विल बी इक्वल टू टू। आर आर की वैल्यू आप लोग एनर्जी के टर्म्स में जो आपको लिखना होता है दैट इज 38.314 जूल्स। जूल्स में अगर आपको लिखना होता है आगे का बाकी होने चाहते हैं। टेम्परेचर तो वही एक ही टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का, 300 केल्विन, इनिशियल भी वही है फाइनल भी वही है। लॉग देखो वी टू, वी टू की क्या वैल्यू है, वी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई वी वन, वी वन है आपका वी, वी से वी कटा, यहाँ पे बचा आपके पास लॉग हाफ। अब देखो सिर्फ आपके पास यहाँ पे सेकेंड वाली टर्म में क्या बची है, लॉग हाफ बचा है। अब देखो 2.303 ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय 8.314 इंटू 300, और ये हो जाएगा आपका सिर्फ लॉग हाफ बचेगा। देखो तो इस वाली टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर 114.88 के बराबर आएगा, सॉल्व करके देखना इसके आसपास आना चाहिए आंसर। अभी देखो हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पर, जब भी हम लोग इसको डिराइव कर रहे थे यहाँ पर ये वाली बताई थी ना मैंने आपको, अगर एल एन वी टू बाई वी वन है, लॉग वी टू बाई वी वन होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है जब आप उसको ओपन करते हो। अब यहाँ पर लॉग वन बाई टू हमें जब सॉल्व करना है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वन माइनस लॉग टू
यहां तक पहले बताओ, किसी को दिक्कत है किसी पार्ट में? ये क्लियर हुआ? ये समझ आए कि नहीं? ये रिपीट करूं? यस आयुषी, यस लाइशा, बताइए इज इट क्लियर और नॉट? यस ठीक है, देखो अब बस कुछ नहीं करना आपको, खाली आपको वैल्यूज पुट करनी है. लॉग वन की वैल्यू होती है 0 और लॉग टू की वैल्यू मैंने आपको अभी और पहले भी बताई थी 0.301 होती है. तो बस यहाँ पुट कर देनी है, वर्क डन हो जाएगा. 114.88, ये तो 0 ही हो गया. अब वो क्या बचा टर्म? खाली माइनस 0.301 बचा. इसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन आएगा -3457 जूल. वर्क डन विल बी -3457 जूल. इसके सॉल्यूशन देखो, जहां पे दिक्कत है वहां पे पूछो. फर्स्ट सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पूछता. फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर वही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका. सेकंड पार्ट में ये है कि P1 is equal to P2 V2 वाली इक्वेशन जब आप यूज करोगे आपको फाइनल प्रेशर वहां से मिल जाएगा. थर्ड पार्ट में सारी खाली वैल्यूज पुट करी हमने वर्क डन के फॉर्म में. सभी आपने ऊपर वाले पार्ट का आंसर लिखवाई थी आप? यस मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. अच्छा चलो, ये वर्क डन कर लो.
अब देखो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक और सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, अब इसका आंसर आप लोग भेजिए, एक पार्ट मैंने बता दिया पूरा आपको। एग्जैक्टली वही तीनों पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर और वर्क डन। फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर जल्दी से सेंड करो, तो बहुत इजी है। हाँ यूशी करेक्ट, 100 केल्विन, 100 केल्विन होगा, स्लोली एक्सपैंड ये आ रहा है आपका चेंज, कंप्रेशन जो हो रहा है स्लोली हो रहा है। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि आइसोथर्मल के जो चेंज है कंडीशन के लिए, दो कंडीशन थी, तो कंडक्टिंग वॉल, दूसरा था स्लोली। इससे पता चलता है आपका प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब भी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ नहीं है मतलब टेम्परेचर वही है। सो पहला पार्ट का तो 100 केल्विन होगा, ठीक है। हाँ यूश ये ठीक है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। 3 ATM आएगा, देखो 3 ATM कैसे आएगा। P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है इक्वेशन आपकी। पहला P1 आपका 1 ATM गिवन है, V1 को V मान लो, इनिशियल वॉल्यूम है, P
P2 हमें निकालना है, V2 है इनिशियल का 1/3 हो गया है, बस खाली डेटा ही तो चेंज है, P2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 डिवाइडेड बाई V2, V2 है आपका 3 ऊपर जाएगा, V यहाँ, ये है P2, सो P2 बचेगा आपका 318। देखो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन भी आपका उसी फॉर्मूले पे निकलेगा। चलो एक बार ट्राई कर लो वर्क डन, एक मिनट ले लो, एक बार वर्क डन ट्राई करो। वर्क डन में अगर लॉग की जरूरत पड़े तो याद रखो लॉग 3 की जो वैल्यू है वो 0.477 होती है। लॉग 9 तक तो वैल्यूज लर्न कर लेना, लॉग 0 से लॉग 9 तक, अगर ये यूज हो तो ये यूज कर लेना। एक बार वर्क डन निकाल के देखो। देखो ये ऐसे होगा, वर्क डन का फॉर्मूला है 2.303, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाला पार्ट किया था वैसे ही होगा, पिछले वाले की तरह होगा। सो दिस इज इक्वल टू लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1। अब देखो V2 वही है आपका, V रहेगा, V/3 हो जाएगा, V1 आपका V रहेगा जो आपने V अज्यूम किया है इनिशियल वॉल्यूम, बस खाली सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। 2.303 नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 इस बार। आर वही 8.314, टेम्परेचर इस बार एक ही है 100 केल्विन जो है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, देखो टेम्परेचर तो कहीं से चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल है वही फाइनल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका। लॉग हो जाएगा V2 यानी कि V/3 डिवाइडेड बाई V1, V1 क्या है V, सो V से V कैंसिल, अब आपका बच रहा है 1/3, लॉग 1/3 बच रहा है आपका। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन वुड बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पर आपको बच रहा था लॉग 1/3, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 3, जैसे बिल्कुल पीछे वाला पार्ट हम लोग ने किया था ना एग्जैक्टली वैसे होगा, लॉग 1 डिवाइडेड माइनस लॉग 3 हो जाएगा। देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म आपका 0 हो गया, ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, माइनस log 3 यानी log 3 की वैल्यू लिख लो, ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय log 3 माइनस log 3 हो जाएगा इनटू माइनस 0.477, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे फाइनल साफ सबका प्रोडक्ट आएगा, एक तो माइनस साइन आएगा इस नेगेटिव की वजह से, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 9133 जूल्स के आसपास, कुछ पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे करके कुछ आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना क्या आता है आंसर, ऐसे सॉल्व हो गए, लिख लो। कितना आता है आयुष, माइनस 9133.186, ठीक है यही होगा 0.186, इसको आप लोग भी लिख लो, आंसर होगा आपका माइनस 9133.186, ठीक है आयुष फाइन।
देखो एक चीज पहले देख लो, हम लोग ने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो आपको को CP से डिनोट, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और वही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो आप उसे CV से, C हम लोग ने पढ़ रखा है MC डेल्टा T, याद है ना MC डेल्टा T जो पढ़ा था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, वही C अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो आप उसे CP कहते हो, और वही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इट्स कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसे आप बोलते हो CV. तो इनका जो रेशियो होता है यानी कि CP डिवाइडेड बाय CV, CP डिवाइडेड बाय CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस कांस्टेंट को आप बोलते हो गामा, इससे आप गामा से रिलेट कर सकते हो. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा बहुत यूज होने वाले हैं. अभी एक बार ये तीन लाइन लिख लो, सभी हाँ ज्वाइन कर रही है. सभी हाँ एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन लाइन है, फिर इसको जल्दी से नोट कर लो. ये आपने जो स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी ना, क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, ये सी जो था यहाँ पे, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसे सीपी बोलेंगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सीपी, इसका जो रेशियो होता है सीपी बाय सीवी उसे आप गामा. तो अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में हम इसे यूज करेंगे, तो जल्दी से तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो. अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है. एडियाबेटिक हम लोग तब से फर्स्ट क्लास से इसको डिस्कस करें. एडियाबेटिक मतलब क्या है, जब भी आपके सिस्टम में हीट एंटर नहीं कर पाती या फिर लीव नहीं कर पाती तब आप उसे बोलते हो एडियाबेटिक. सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन इन विच इट अकर्स इन सच अ वे दैट नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है, इसे आप बोलोगे एडियाबेटिक प्रोसेस. इसका मतलब क्या हुआ, हीट एक्सचेंज आपका जीरो हो रहा है, प्रेशर में चेंज आएगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज करेगा और आपका टेम्परेचर भी, तो ये तीनों के तीनों क्वांटिटीज इस केस में वेरिएबल है. आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं करता था, एडियाबेटिक में तीनों के तीनों वेरिएबल है. अगर हीट कुछ एंटर नहीं करी लीव नहीं करी, यानी इनिशियल हीट भी वही होगी फाइनल हीट भी वही होगी, तो जो आपका चेंज इन हीट आएगा डेल्टा क्यू, दिस विल बी जीरो, क्योंकि हीट यहाँ पे कांस्टेंट है आपका, क्यू कांस्टेंट है. अब देखो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगी, जैसे वहां पे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू था, देखो यहाँ पर क्या होगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू नहीं होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस बनेगी, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ये हो जाएगा पी वी टू द पावर गामा. ये गामा क्या है, गामा यही है, गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था स्पेसिफिक हीट से. स्पेसिफिक हीट आप लोगों को पता है, वही सारी क्वान्टिटी सेम है, खाली फॉर्मूला डिफरेंट है. पी वी टू द पावर गामा ये कॉन्स्टेंट होगा आपका इस केस में. तो यानी अगर पी वन वी वन है, कुछ पी टू वी टू है, तो अब ये ऐसे इक्वल ना हो के ये ऐसे होगा, P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma.
और गामा क्या है आपका सीपी और सीवी का रेशियो। अब देखो ये तो हो गया प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, वहां पर कोई और इक्वेशन क्यों नहीं थी? वहां पर कोई और इक्वेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, और इक्वेशन क्या बनती? बस पी और वी यानी प्रेशर और वॉल्यूम ही तो वेरिएबल थे। यहाँ पर तो वॉल्यूम के साथ प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका पी वन वी वन में रिलेशन नहीं आएगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में सिर्फ रिलेशन नहीं होगा। देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो इक्वेशन है आपकी, यहां से आप लोग अगर टी यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन देखोगे इसकी तरह, तो वो हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी अगर आपको इसे यूज करना होगा तो आप ऐसे करोगे टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू कोई भी फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस वन। इसी तरह से अब क्या देखो किसके बीच में रिलेशन आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देख लिया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देख लिया। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में तो रिलेशन होगा, तो वो ऐसे हो जाएगा पी की पावर हो जाएगी वन माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर गामा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखो क्या क्या इक्वेशन आई एडियाबेटिक प्रोसेस की, एक तो पी वन वी वन टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट है, दूसरी इक्वेशन आपकी आई टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, थर्ड हो जाएगी आपकी पी वन वन माइनस गामा टी टू द पावर गामा इक्वल्स टू पी टू वन माइनस गामा टी टू टू द पावर गामा, ऐसे चलती जाएगी इक्वेशन। अगर तीन और आ जाएंगे पी थ्री होगा तो इक्वल टू हो जाएगा। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में आपकी तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट है। एक बार एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन वगैरह लिख लो, इसकी कंडीशन भी उल्टी हो जाएगी। अब इसमें जो इंसुलेटिंग वॉल्स होगी और जो कंप्रेशन होगा ना, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, वो बड़ा क्विकली होगा। जैसे आइसोथर्मल में स्लो था, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स थी, सॉरी कंडक्टिंग वॉल्स, यहाँ पे इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाएगी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स।
लिख लिया इतना? लिख लिया हो तो एक क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड, वर्क डन नहीं बता रही, वर्क डन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सिर्फ इस इन फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो।
देखो ये आप कैसे होगा आपका फाइनल प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे आपको किसके बीच में रिलेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन है, और आपका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। तो देखो फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन करी थी हमने, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, यहां से निकलेगा। अच्छा गामा की वैल्यू आप लोग ले लो, गामा की वैल्यू 3/2 ले लो क्वेश्चन का पार्ट की तरफ से, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है किस तरह का है, मोनो एटॉमिक है डायएटॉमिक है, 3/2 ले लो। देखो P1 यानी इनिशियल जो प्रेशर है दैट इज 118, ये हो गया 1 × V1। इनिशियल वॉल्यूम को V मान लो, इनिशियल वॉल्यूम को V मान लो, टू द पावर हो जाएगा गामा यानी टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P2 आपको निकालना है। V2 है पहले वाले वॉल्यूम का 1/4, यानी कि V को 4 से डिवाइड करो। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, टू द पावर गामा कितना है गामा 3/2। अब देखो इसे बस सॉल्व करना है, ये हो जाएगा V to the power 3/2 इज इक्वल टू P2। अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखते हैं, ये हो जाएगा V to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 4 to the power 3/2। देखो V to the power 3/2 और V to the power 3/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, V to the power 3/2 आपका लेफ्ट हैंड साइड भी है, V to the power 3/2 राइट हैंड साइड भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या बची है, 4 to the power 3/2। अब देखो इससे कैसे सॉल्व करोगे, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 4 to the power 1/2 लिख लो पहले, और ये पूरा टर्म 3 लिखो, ऐसे लिख सकते हो क्या, ये सेम होगा 3/2 और ये वाले टर्म सेम है कि डिफरेंट है, ऐसी तो करते हो ना, अगर यस आप सेम। a to the power n है, a to the power पूरा पावर m है, तो आप ऐसे तो लिखते हो a to the power n/n, सो यस राइट सेम होगा ये टर्म। तो √4 हो गया ना, ये √4 क्या होता है आपका, क्या होता है 4 to the power 1/2, क्या होता है 2 होता है ना, और 2 का होल क्यूब हो जाएगा ये यानी कि 8। तो ऐसे सॉल्व करना होगा आपको इक्वेशन इस तरह से। अब देखो सेकंड पार्ट कह रहा था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वॉल्यूम यूज करो, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन यूज कर लो। अब तो आपको प्रेशर भी पता है, आप प्रेशर टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो। देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर वाली यूज करो, TV to the power γ-1 कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। पहला टेम्परेचर आपके पास 400 गिवन है, पहली वॉल्यूम हो गई V to the power 3/2 - 1, बस खाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग, T2 नहीं पता है, V2 V/4 हो गया, ये हो गया to the power 3/2 - 1। अब वैसे ही काम करते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, V to the power 3, देखो V का जो भी पावर वाली टर्म है वो यहीं पे आ रही है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी डायरेक्ट। देखो वो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा 400 3/2 - 1, ये बचेगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा V to the power 1/2 इज इक्वल टू T2, ये हो जाएगा V to the power 1/2 इधर भी डिवाइडेड बाय 4 to the power 1/2, यही होगा ना। देखो 3/2 को -1 करोगे आप तो यहाँ हाफ बचेगा, तो ये वाला टर्म जो है ऊपर आपका उसे आप हाफ लिख दो, यहाँ भी हाफ आ जाएगा, आप तो सेपरेट कर दो, ये टर्म कैंसिल, फिर से 4 to the power 1/2 2 होता है, सो T2 हो जाएगा 400 × 2 यानी T2 हो जाएगा आपका 800। समझ आया कैसे निकला फाइनल टेम्परेचर फाइनल प्रेशर, ये समझ आया आपको, डाउट किसी को है इसमें? ठीक है, सो फिर नोट कर लो, जिस स्टेप में दिक्कत है वहां पे पूछ लो, सभी आप भी पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ रिपीट करवाना हो या कहीं पे दिक्कत हो।
मैम डाउट.